Dear students, Assalamu alaikum. In this part of our lecture 4, we will discuss the method of Gaussian elimination for solving a system of 3x3 linear equations, or a system of equations involving 3 variables. So, what is the procedure? Gaussian elimination is a method for systematically solving a system of linear equations by progressively working through the equations using elementary row operations. To eliminate variables from equations one at a time, and eventually ending up with one equation in one unknown, two equations in two unknowns, and then solve for all the unknowns by back substitution. So, the terminology will be explained in the example which we are going to discuss. If you recall, तो जो हमारी लेक्चर 3 था उसमें भी हमने गॉसियन एलिमिनेशन के मेथड से लीनियर सिस्टम इक्वेशन जो हैं इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल सॉल्व भी की थी. तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 3x3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, विच मींस दैट द लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल्स भी जो हैं वो सॉल्व करेंगे बाय गॉसियन एलिमिनेशन. तो लेट अस नाउ प्रैक्टिस एंड सी हाउ वी विल सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल्स बाय गॉसियन एलिमिनेशन. तो अपना रजिस्टर और पेन वगैरह पकड़ लें, राइट दीज 3 इक्वेशंस ऑन योर पेपर. x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y प्लस जी इज इक्वल टू 12. तो पहले हम इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं बाय सिंपल एलिमिनेशन, और देखते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स एक्स वाई जी हैं इनका क्या आंसर आता है. देन वी विल सॉल्व दिस सिस्टम बाय गॉसियन एलिमिनेशन. तो उस सूरत में इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि आंसर वी गेट द सेम आंसर. तो अभी ऐसा करें, ये स्टेप्स परफॉर्म करें. इक्वेशन जो नंबर 1 पे है इसको नंबर 1 लेबल कर लें, आगे निशान लगा लें इसके. दूसरी इक्वेशन को नंबर 2 लिख लें, और जो तीसरे नंबर पे है 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 12, इसको 3 नंबर लिख लें. अब ऐसा करें, जो इक्वेशन 1 है उसमें से x की वैल्यू निकालें. यू विल गेट x इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी लिखते जाएं, x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3. यानी इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लें. अब ये वैल्यू x की जो है ये पुट करें इक्वेशन 2 में. नंबर 2 पे जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4. इसमें 2 इंटू x की जो वैल्यू आई है माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3, वो ब्रैकेट्स में लिखें, ब्रैकेट्स बंद कर दें, देन प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 4. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें.
हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस टू। तो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू जेड प्लस टू। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है। x की वैल्यू क्या है? माइनस वाई प्लस जेड प्लस थ्री, जो हमने इक्वेशन वन से निकाली थी। और y की वैल्यू क्या आई है? जेड प्लस टू, जो हमने इक्वेशन टू से निकाली है। अब जो x की वैल्यू है उसमें y भी दिया हुआ है, बिकॉज x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस जेड प्लस थ्री। तो y की ये वैल्यू इसमें पुट करें, z प्लस टू। तो अब x और y की जो वैल्यूज हैं ये इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर दें इन टर्म्स ऑफ z। x और y की जो वैल्यूज हमने निकाली हैं, जिसमें वेरिएबल जो है वो z की फॉर्म में वैल्यूज आ रही हैं प्लस कांस्टेंट, तो इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर तीन में पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें। वी विल गेट 3z इज इक्वल टू 6। 3z इज इक्वल टू 6, ये जो बॉटम में शो किया हुआ है। यहां से डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 3, वी गेट z इज इक्वल टू 2। तो z की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें, सेकेंड लास्ट इक्वेशन जो है, तो वी विल गेट y इज इक्वल टू 4। अब z इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 3, तो वी गेट x इज इक्वल टू 1। सो हमने थ्रू एलिमिनेशन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल ली हैं, विच आर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 2। ये वैल्यूज आई हैं। नाउ लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन, दीज इक्वेशंस बाय गॉसियन एलिमिनेशन। तो इनको इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में किया था। तो राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स दी हुई है इसमें इस फॉर्म में लिखें। अब वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स देखें, 1, 1, -1, देन 2, 1, -1, 2, 2 एंड 1। और जो कोएफिशिएंट्स हैं, सॉरी जो कांस्टेंट्स हैं इक्वालिटी के दूसरी साइड पे, वो हैं 3, 4, 12। अब इनके दरमियान अगर आप चाहें तो एक लाइन ड्रॉ कर लें बेशक, जो कि इसमें नहीं ड्रॉ की हुई। अगर आप चाहें तो इसमें लाइन ड्रॉ कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो 3x3 मैट्रिक्स है और जो चौथा कॉलम है, थर्ड और फोर्थ कॉलम के दरमियान एक लाइन ड्रॉ कर लें ताकि जो हम ऑपरेशंस करें, रो ऑपरेशंस हमने करके, तो इसकी इनकी वैल्यूज निकालनी है एक्स वाई और जी की। उसी तरह जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में की थी, तो इसको लिख लें मैट्रिक्स को। तो अब मेरे साथ जो मैं ऑपरेशंस आपको, रो ऑपरेशन जो पॉइंट आउट करता हूं, वो मेरे साथ लिखते जाएं। सो फर्स्ट स्टेप लिखें R2 - R3, सब्ट्रैक्ट ρ3 फ्रॉम ρ2। तो अब मैं नई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखाने लगा हूं, वो साथ साथ लिखते जाएं।
स्लाइड की तरफ बेशक ना देखें। पहली रो में वन वन माइनस वन और थ्री, दूसरी में बिकॉज आर टू माइनस आर थ्री है तो दूसरी रो में एलिमेंट्स हो जाएंगे जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस एट, और तीसरी रो सेम रहेगी टू वन वन एंड ट्वेल्व। दूसरा स्टेप करें आर थ्री माइनस टू आर वन, यानी रो वन को दो से मल्टीप्लाई करें और आर थ्री में से सब्ट्रैक्ट करें आर थ्री माइनस टू आर वन। तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसके एलिमेंट्स लिखें। फर्स्ट रो में एलिमेंट्स आएंगे वन वन माइनस वन थ्री, दूसरी में जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस एट, और तीसरी रो में जीरो जीरो थ्री और सिक्स। ठीक है, अब देखें जो तीसरी रो है इसको हम लिखेंगे थ्री जेड इज इक्वल टू सिक्स, थ्री जेड इज इक्वल टू सिक्स। तो जो दूसरी रो है उसको हम लिखेंगे माइनस वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू माइनस एट, माइनस वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू माइनस एट। और जो फर्स्ट रो है उसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू थ्री। तो अब जो जो इक्वेशन हमने पहले लिखी थी थ्री जेड इज इक्वल टू सिक्स, यहां से हमारे पास आ जाएगा जेड इज इक्वल टू टू। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन टू विल गेट वाई इक्वल टू फोर, एंड देन पुट द वैल्यूज ऑफ वाई एंड जेड इन इक्वेशन वन वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू वन। सो वही वैल्यूज आ गई हैं जो हमने एलिमिनेशन जो सिंपल की थी उसके जरिए आई थी। ये देखें ये इक्वेशंस लिखी हैं इस मैट्रिक्स से। तो वही आंसर आ गया है। नाउ लेट अस सॉल्व दीज इक्वेशन बाय गॉसियन एलिमिनेशन। अगेन वही मैट्रिक्स लिख लें। ये नई इक्वेशंस हैं। आई एम सॉरी, दिस इज अनदर एग्जाम्पल। तो जरा ध्यान से इसकी भी मैट्रिक्स लिख लें, टू वन वन सिक्स फाइव माइनस थ्री, फोर माइनस वन थ्री, उसके बाद इस थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स के आगे एक लाइन ड्रॉ करें और कॉन्स्टेंट्स लिख लें जो इक्वालिटी के दूसरी तरफ हैं, ट्वेल्व सिक्स एंड फाइव, इस तरह। लेकिन आप लाइन ड्रॉ कर लें, कोएफिशिएंट्स जो हैं जो कांस्टेंट्स सॉरी कोएफिशिएंट्स कह रहा हूं जो कांस्टेंट्स जो राइट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं इनके दरमियान, और जो जेड वाला कॉलम है और राइट हैंड साइड का जो कॉलम है इनके दरमियान एक लाइन ड्रॉ कर लें और मेरे साथ ये ऑपरेशंस करते जाएं जल्दी जल्दी। पहला स्टेप करें डिवाइड रो वन डिवाइड आर वन बाई टू। तो मैं साथ साथ नई
मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोलता जाता हूं, लिखते जाएं, डिवाइड आर वन बाई टू, जरा तेजी से लिखें, वन नई नई मैट्रिक्स का पहली पहली रो होगी वन, वन ओवर टू और सिक्स, तो बाकी दो रिपीट रिपीट हो जाएंगी, सिक्स फाइव माइनस थ्री सिक्स, फोर माइनस वन थ्री एंड फाइव। अब आगे स्टेप करें, डिवाइड रो टू बाई सिक्स, डिवाइड रो टू बाई सिक्स, तो नई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे वन, वन ओवर टू सिक्स, देन वन फाइव ओवर सिक्स, माइनस थ्री ओवर सिक्स एंड वन। तो तीसरी तीसरी जो रो है वो होगी फोर माइनस वन थ्री एंड फाइव। नाउ सब्ट्रैक्ट आर वन, सब्ट्रैक्ट आर वन फ्रॉम आर टू एंड आर थ्री। आई रिपीट, सब्ट्रैक्ट रो वन फ्रॉम रो टू एंड रो वन, सॉरी रो थ्री, सब्ट्रैक्ट रो वन फ्रॉम रो टू एंड रो थ्री। तो नई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखें, वन पहली रो वन, वन ओवर टू सिक्स, दूसरी रो के एलिमेंट्स आ जाएंगे जीरो, वन ओवर थ्री, माइनस वन, माइनस फाइव, और तीसरी रो के एलिमेंट्स आ जाएंगे जीरो, माइनस थ्री ओवर फोर, वन ओवर फोर, माइनस नाइनटीन ओवर फोर। ये नई मैट्रिक्स हमारी बनेगी। नाउ मल्टीप्लाई रो टू बाई नाइन ओवर फोर, मल्टीप्लाई रो टू बाई नाइन ओवर फोर। अब जो नई मैट्रिक्स हमारी बनेगी उसके एलिमेंट्स लिखें, पहली रो में एलिमेंट्स होंगे वन, वन ओवर टू और सिक्स, दूसरी रो में जीरो, थ्री ओवर फोर, माइनस नाइन ओवर फोर, माइनस फोर्टी फाइव ओवर फोर, और तीसरी रो में जीरो, माइनस थ्री ओवर फोर, वन ओवर फोर, माइनस नाइनटीन ओवर फोर। अगला स्टेप करें, एड आर टू इन आर थ्री, आर थ्री प्लस आर टू, तो नई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखें, वन वन ओवर टू सिक्स, फोर्थ एलिमेंट फर्स्ट रो का सिक्स, दूसरी रो में एलिमेंट्स आएंगे जीरो, थ्री ओवर फोर, माइनस नाइन ओवर फोर, माइनस फोर्टी फाइव ओवर फोर, फिर तीसरी रो में जीरो, जीरो, माइनस टू, और चौथा एलिमेंट होगा माइनस सिक्सटीन। अब यहां से इक्वेशन उसी तरह लिख लें जिस तरह हमने पिछली एग्जाम्पल में लिखी थी। पहली इक्वेशन हमारी बनेगी माइनस टू जेड इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन, यहां से हमारे पास जेड इज इक्वल टू एट, पहली वैल्यू आ जाएगी जेड इज इक्वल टू एट। अब दूसरी इक्वेशन लिखें, थ्री ओवर फोर वाई माइनस नाइन ओवर फोर जेड इज इक्वल टू माइनस फोर्टी फाइव ओवर फोर। नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई फोर, वी विल गेट
3y minus 9z इज इक्वल टू -45। इसमें z की वैल्यू पुट करें 8 और इसको सिंप्लीफाई करें, वी विल गेट y इज इक्वल टू 9। अब पहली इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, x फ्रॉम द फर्स्ट रो x प्लस 1/2y + 1/2z इज इक्वल टू 6। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाई 2, वी विल गेट 2x + y + z इज इक्वल टू 12। अब हमने z और y की वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई हैं, इस इक्वेशन में पुट करें तो वी विल गेट x इज इक्वल टू -2.5। -5/2 आएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू -2.5। सो वी हैव सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशंस, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स बाय गॉसियन एलिमिनेशन। x इज इक्वल टू -2.5, y इज इक्वल टू 9 एंड z इज इक्वल टू 8। ये देखें, अब स्टेप्स का थोड़ा फर्क हो सकता है कि ये जो स्लाइड्स मैंने आपको दिखाई हैं इनमें कोई स्टेप्स का फर्क हो सकता है, बट फाइनली जो हमारी वैल्यूज हैं वो सेम आई हैं। लेट अस अटेम्प्ट अनदर एग्जांपल। आप जरा देखें, जिस तरह हमने 2/2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था तो उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ये जो आप देख रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें चूंकि 2 वेरिएबल्स थे तो वो थी 1 0 0 1। नाउ बिकॉज वी हैव 3 वेरिएबल्स तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दैट इज 3/3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो वैल्यूज जो वेरिएबल्स की हैं दोज आर रिप्रेजेंटेड बाई v1 v2 v3। तो अब हम इस तरीके से, इस मेथड से एक दो एग्जांपल्स करेंगे और जो 3/3 मैट्रिक्स आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं रो ऑपरेशंस के साथ हम ये डेवलप करेंगे तो वेरिएबल्स की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। अब जल्दी से लिखें मैट्रिक्स फॉर्म में कोएफिशिएंट्स वेरिएबल्स के, 1 1 1 2 -1 3 4 5 -10, और लाइन ड्रॉ की और जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट्स हैं 6 4 एंड 13। अब इनको चाहें आप तो मैट्रिक्स की वो ब्रैकेट्स डाल लें तो ऑपरेशन जो हैं अब आपने मेरे साथ करने हैं। ये इसमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो मिसिंग है, मिसिंग इन द सेंस के इकट्ठे किए हुए हैं, दो दो तीन तीन स्टेप्स जो हैं वो इकट्ठे किए हुए हैं तो मैंने एक एक करके किया है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो अब मेरे साथ स्टेप्स करें, स्लाइड की तरफ बेशक ना देखें, सॉल्व करें। पहला स्टेप R2 -2R1 subtract
मल्टीप्लाई रो वन बाय टू देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रो टू, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, आर टू माइनस टू आर वन। तो नई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखें, वन 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 सिक्स, जीरो माइनस थ्री वन माइनस एट, तो थर्ड रो में फोर फाइव माइनस टेन एंड थर्टीन। तो ओनली हमारी रो टू चेंज हुई है जिसमें हमने ऑपरेशन किया, रो वन एंड रो थ्री आर द सेम। अब अगले स्टेप में लिखें आर थ्री माइनस फोर आर वन, मल्टीप्लाई रो वन बाई फोर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रो थ्री। तो नए एलिमेंट्स लिखें, नई मैट्रिक्स लिखें, वन 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 सिक्स, जीरो माइनस थ्री वन माइनस एट, जीरो वन माइनस फोर्टीन माइनस अलेवन, जीरो वन माइनस फोर्टीन एंड माइनस अलेवन। नाउ मल्टीप्लाई रो टू बाई वन ओवर थ्री, मल्टीप्लाई रो टू बाई वन ओवर थ्री, तो नए एलिमेंट्स लिखें, वन 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 सिक्स, जीरो माइनस वन वन ओवर थ्री माइनस एट ओवर थ्री, और रो थ्री जो है वो रिपीट हो जाएगी, जीरो वन माइनस फोर्टीन माइनस इलेवन। नेक्स्ट स्टेप, एड रो टू इन रो थ्री, आर थ्री प्लस आर टू, रो थ्री में रो टू प्लस करें, तो पहली दोनों रो तो रिपीट हो जाएंगी, वन 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 सिक्स, जीरो माइनस वन वन ओवर थ्री माइनस एट ओवर थ्री, तो रो थ्री के जो एलिमेंट्स अब आएंगे वो होंगे जीरो जीरो माइनस फोर्टी वन ओवर थ्री एंड माइनस फोर्टी वन ओवर थ्री। नाउ मल्टीप्लाई रो थ्री बाई माइनस थ्री ओवर फोर्टी वन, मल्टीप्लाई रो थ्री बाई माइनस थ्री ओवर फोर्टी वन, तो नए एलिमेंट्स लिखें, वन 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 सिक्स, जीरो माइनस वन वन ओवर थ्री माइनस एट ओवर थ्री, और तीसरी रो में आ जाएंगे जीरो जीरो वन वन, जीरो जीरो वन वन। अब नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई रो टू बाई माइनस वन, मल्टीप्लाई रो टू माइनस वन बाई माइनस वन, तो जल्दी से इसके एलिमेंट्स लिखें, वन 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 सिक्स, जीरो वन माइनस वन ओवर थ्री एट ओवर थ्री, और रो थ्री रिपीट हो जाएगी, जीरो जीरो वन वन। नेक्स्ट स्टेप, सब्ट्रैक्ट रो टू फ्रॉम रो वन, आर वन माइनस आर टू, रो वन से रो टू सब्ट्रैक्ट करें तो रो वन विल बी चेंज्ड, उसके एलिमेंट्स होंगे वन जीरो फोर ओवर थ्री टेन ओवर थ्री, बाकी दोनों रोज रिपीट हो जाएंगी, जीरो वन माइनस वन ओवर थ्री एट ओवर थ्री, और जीरो जीरो वन वन। नाउ मल्टीप्लाई रो थ्री बाई वन ओवर थ्री, मल्टीप्लाई रो थ्री बाई वन ओवर थ्री, तो पहली दोनों रोज तो रिपीट हो जाएंगी, वन जीरो फोर ओवर थ्री टेन ओवर थ्री, जीरो वन माइनस वन ओवर थ्री एट ओवर थ्री, तो तीसरी रो जो है वो बन जाएगी जीरो जीरो वन ओवर थ्री वन ओवर थ्री। नाउ एड रो थ्री इन रो टू, आर टू प्लस आर थ्री, तो जल्दी से इसके फिर एलिमेंट्स लिखें, वन जीरो फोर ओवर थ्री टेन ओवर थ्री, देन जीरो वन जीरो, देन जीरो जीरो वन ओवर थ्री, और जो कोएफिशिएंट्स हैं, जो कांस्टेंट्स हैं राइट हैंड साइड पे, वो आ जाएंगे टेन ओवर थ्री
थ्री वन ओवर थ्री, आई रिपीट, पूरी रोज रिपीट करने लगा हूं, वन जीरो फोर ओवर थ्री टेन ओवर थ्री, जीरो वन जीरो थ्री जीरो जीरो वन ओवर थ्री वन ओवर थ्री. नाउ मल्टीप्लाई रो थ्री बाई फोर, मल्टीप्लाई रो थ्री बाई फोर, उसके एलिमेंट्स लिखे जल्दी से अब नए एलिमेंट्स, वन जीरो फोर ओवर थ्री टेन ओवर थ्री, दूसरी रो में जीरो वन जीरो थ्री, तीसरी रो में जीरो जीरो फोर ओवर थ्री फोर ओवर थ्री. अगला स्टेप, सब्ट्रैक्ट रो थ्री फ्रॉम रो वन, आर वन माइनस आर थ्री, तो नए एलिमेंट्स लिखें जल्दी से, वन जीरो जीरो टू, वन जीरो जीरो टू, दूसरी रो जीरो वन जीरो थ्री, तीसरी रो जीरो जीरो फोर ओवर थ्री फोर ओवर थ्री. नाउ मल्टीप्लाई रो थ्री बाई थ्री ओवर फोर, मल्टीप्लाई रो थ्री बाई थ्री ओवर फोर, तो एलिमेंट्स लिखें, वन जीरो जीरो टू पहली रो, जीरो वन जीरो थ्री दूसरी रो, जीरो जीरो वन वन तीसरी रो. आप देखें जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और थ्री टू थ्री और वन आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स. सो एक्स इज इक्वल टू टू, वाई इज इक्वल टू सॉरी एक्स वन, एक्स वन इज इक्वल टू टू, एक्स टू इज इक्वल टू थ्री एंड एक्स थ्री इज इक्वल टू वन. अब ये स्लाइड्स मैं आपको दिखाता हूं, ये ऑपरेशंस हैं, लेकिन ये इकट्ठे ऑपरेशंस किए हुए हैं, मैंने आपको अलग अलग बिल्कुल लिखाए हैं ताकि समझने में आपको कोई दुश्वारी ना हो. तो आंसर देखें, एक्स वन इज इक्वल टू टू, एक्स टू इज इक्वल टू थ्री, एक्स थ्री इज इक्वल टू वन. नाउ लेट अस क्विकली सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल. ताकि इसी पार्ट में हमारा ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो जाए, जल्दी से इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, वन वन वन, देन टू थ्री फाइव, फोर जीरो फाइव. तीसरी इक्वेशन में देखें वाई नहीं है तो उसको छोड़ना नहीं है, तो इक्वेशन हमारी तीसरी होगी 4x प्लस 0y प्लस 5z इज इक्वल टू टू. तो तीसरे हमारे कोएफिशिएंट्स लिखे जाएंगे 4, 0, 5. अब ये जो इक्वालिटी के दूसरी तरफ कांस्टेंट्स हैं उनको लिख लें 5, 8, 2. अब मैं मैट्रिक्स रिपीट करने लगा हूं, उसी तरह कांस्टेंट्स के दरमियान लाइन ड्रा कर लें, और इस तरह जिस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी हुई है इसको लिख लें. अपनी जो आपने मैट्रिक्स मैंने लिखाई है इसको इसके साथ टैली करें, एंड नाउ परफॉर्म दीज ऑपरेशन. जो मैं आपको लिखाता हूं वो ऑपरेशन साथ साथ करते जाएं. पहला स्टेप जरा जल्दी लिखिएगा, आर टू माइनस टू आर वन, मल्टीप्लाई रो वन बाई टू, देन सब्ट्रैक्ट दैट रो फ्रॉम आर टू. तो नई मैट्रिक्स लिखिएगा, पहली रो होगी वन 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 फाइव, दूसरी जीरो वन थ्री माइनस टू, और तीसरी फोर जीरो फाइव टू. अगला लिखें, अगला स्टेप, आर थ्री माइनस फोर आर वन, यानी रो वन को फोर से मल्टीप्लाई करें और रो थ्री से सब्ट्रैक्ट करें, तो नए एलिमेंट्स लिखें, वन 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 फाइव, जीरो वन थ्री माइनस टू, एंड जीरो माइनस फोर वन माइनस एटीन.
ये जो टॉप पे लिखी हुई है मैट्रिक्स। अब आगे आ जाएं, अब जरा ऑपरेशन अब जरा थोड़े चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आर थ्री प्लस फोर आर टू, नो चेंज नहीं हुए, आई एम सॉरी, आर थ्री प्लस फोर आर टू मल्टीप्लाई रो टू बाई फोर एंड एड इन आर रो थ्री। तो एलिमेंट्स देखें सामने लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, तो ये लिख लें 1115 013 2 0 0 13 26। नाउ डिवाइड रो थ्री बाय 1/13, डिवाइड रो थ्री बाय 13 तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 1115 013 2 0 0 1 2। ये जो सेकेंड लास्ट मैट्रिक्स लिखी हुई है, अब आगे मेरे जो मैंने स्टेप्स किए हैं अब इससे फर्क हो गए हैं, अब वो लिख लें, मल्टीप्लाई रो थ्री बाई थ्री एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रो टू, आंसर सेम आएगा, लिखें आर टू माइनस थ्री आर थ्री। तो नए एलिमेंट्स लिखें, नई मैट्रिक्स लिखें 1115 0 1 0 4 देन 0 0 1 माइनस 2। अगला स्टेप लिखें, R1 माइनस R2 सब्ट्रैक्ट रो टू फ्रॉम रो वन R1 माइनस R2 और नई मैट्रिक्स लिखें 1 0 1 4 0 1 0 4। ये स्लाइड से डिफरेंट है ऑपरेशन, देन 0 0 1 माइनस 2। आई रिपीट, पहली रो होगी 0 0 1 1, दूसरी 0 1 0 4, तीसरी 0 0 1 माइनस 2। अब ऑपरेशन करें R1 माइनस R3 सब्ट्रैक्ट रो 3 फ्रॉम रो 1, तो हमारे पास आ जाएगा नई मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे 3 4 माइनस 2, यानी पूरी मैट्रिक्स जो एंड पे लिखी हुई है ये होगी। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3 एंड 3 4 एंड -2 आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x=3, y=4 एंड z=-2। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व अ लीनियर सिस्टम ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3 और लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल्स बाय गॉसियन एलिमिनेशन। मुझे यकीन है कि अब आप समझ गए होंगे, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन, ताकि आप अच्छी तरह से अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी इक्वेशंस आपको कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया होगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। सो दैट्स ऑल,
With this, we come to the end of our lecture 4. Okay then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.